राइट, तो ये है एक नॉर्मल गोलगप्पा। आपको तो पता ही है बहुत टेस्टी होता है, लेकिन आज की वीडियो में लिए बहुत ज्यादा क्रेजी, क्योंकि हम डेली के वियर्ड स्ट्रीट फूड कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाले हैं। एंड सबसे पहले बारी है बाहुबली गोलगप्पा की। आओ तुम्हें दिखाऊं, रील देखो। चटनियां डालनी है और फूली डालनी है, बन जाएगा। ओके, तो भैया ने बाहुबली गोलगप्पे की मेकिंग चालू कर दिया, लेट्स गो। पानी डाल दिया दो टाइप का, अब लगेगा इस पे मेन पहाड़। ओए होए होए, ये टिका रहे, मेरे को नहीं लग रहा है टिकने वाला है। अब डलेगा इसमें दही। ओए होए होए, हरी चटनी। ओए होए होए, मीठी चटनी। अब इसके ऊपर डाल दो पापड़ी, ये मैं डालता हूँ। बस अटक गया ये खाना कैसे है? ये खाना कैसे है? भगवान जाने भैया, हम क्या जाने। की पंचायत की हद तो देखो भाई, ये क्या है? ये तो सारा टूट गया। This is बाहुबली गोलगप्पा, नथिंग स्पेशल। बहुत बड़ा है, एक गोलगप्पा छोटा सा होता है, ये इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। चटनी डालना और दही डालना, उसका टेस्ट बहुत स्वाद हो गया। बट भैया वेल डन, मुझे उम्मीद नहीं थी बन जाएगा। मारो फिश पंच, लेट्स गो। ऑलराइट, तो जो हमारी नेक्स्ट चीज है ना भाई, वो आज तक की सबसे क्रेजी वियर्ड स्ट्रीट फूड है जो मैंने देखी है। मैं भैया को दिखाने वाला हूँ। मैं जब भी मतलब कुछ क्रेजी करना होता है ना, इनके पास आ जाता हूँ। देखो 34 office 3.1 कैमरे पे धन दो। आपने बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें करी है मेरे लिए, क्रेजी किया रे। बट अब आपको बनाना है पास्ता, बट चीज बॉल वाला पास्ता। ये जो चीज बॉल है ना, इससे पास्ता बनाना है। एक बार आओ, मैं रील दिखाता हूँ। ये इसने लिया चीज बॉल, इसको डाला पानी में, घोल दिया, और उसके बाद इसमें चटनी वटनी सारी चीजें डालनी है, और उसके ऊपर पास्ता डलेगा। ये नया मॉडल का जमाना। मैंने बहुत पास्ता देखे, व्हाइट सॉस पास्ता, रेड सॉस पास्ता, एक वो पेस्टो पास्ता, पंजाबी पास्ता, बट आज वियर्ड स्ट्रीट फूड चैलेंज में हम करने वाले हैं चीज बॉल पास्ता। आज तक कभी तो नहीं ऐसा सोचा भी नहीं होगा। नहीं सोचे थे। ये मेरा चैनल किस लिए, ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें सोचने के लिए, तो इसको बनाते हैं। ओके, तो गाइस इट्स टाइम फॉर प्रिपरेशन। ये हमने ले लिए चीज बॉल्स, इसके अंदर डालेंगे। ओहो यार, ये तो वैसे ही बड़े स्वाद लगते हैं खाने में, मेरे फेवरेट है बचपन से। चलो भैया पानी डाल दो। ओए होए होए, और पानी। यस। अब गाइस हम इसका कचुंबर बना रहे हैं। ओए होए होए, तुम देख रहे हो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई ये देखना क्या हाल कर दिया मैंने इसका। शर्म करो, भगवान से डरो। चटनियां लाओ, पास्ता की चटनी डाल दी है, स्पेशल शेफ है हमारे। सब्जियां डाल दो, पकाओ पकाओ पकाओ। मेयोनीज बसो। ओ भाई इतना फैट। ओए होए होए भाई, देखो मेरा काम है सिर्फ पास्ता को हिलाते रहना, इसको मिक्सिंग करते रहना, बाकी सारा भैया कर ही रहे हैं। डाल दो। तो अब इसको हम करने वाले हैं फाइनली रेडी, और करते हैं इसकी टेस्टिंग। कर दो भैया। तो गाइस फाइनली हमारी डिश रेडी हो गई है। ये देखने में अच्छी है, बट ये बहुत अतरंगी है। इसके अंदर चीज बॉल्स है। पहले इसको टेस्ट करूं ना करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। भैया आप करना चाहोगे पहले? नहीं नहीं आप करो सर। आप प्यार से खिला रहे हो ये अजूबा। कैसा है? वेरी नाइस सर। तो मैं टेस्ट करता हूं। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। दिस इज एक्चुअली नाइस। बहुत स्वाद है यार भाई, ये डिश अप्रूव्ड है मेरे यहाँ से, और लिटरल मैं इसको 10/10 दूंगा। ये उस्ताद जी को ट्राई करा रहा हूँ अपना। उस्ताद जी बताएंगे, ये मास्टर शेफ है यहाँ के। बताओ कैसा है? मतलब ऐसा कुछ हमने खाया भी नहीं, हमारी जुबान ने कुछ ऐसा महसूस भी नहीं किया। मेरे को ऐसा दिमाग देकर बहुत अच्छा लगा। बस करो, ओवर एक्टिंग मत करो। बस ओवर एक्टिंग कर रहे हो। ओके, तो जो हमारी नेक्स्ट वियर्ड स्ट्रीट फूड आइटम है ना, वो तो सच में काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि मैंने ऐसी चीज कभी बनते हुए नहीं देखी। वो मैं आपको बताता हूँ, बट पहले मैं अपना स्पेशल गेस्ट बुला लूं, जिसको मैंने रोहतक से बुलाया सिर्फ ये ड्रिंक टेस्ट करने के लिए। तो मोपी आ जा, पास पास पास। ओके, तो वियर्ड स्ट्रीट फूड है, कैसा लग रहा है? टेंशन वेंशन तो नहीं बन रही? नहीं, ठीक ही ठीक था। क्या लग रहा है, ये क्या बनाने वाले आप? बनाने कौन वाला है? मैं बनाऊंगा ना अभी। बस फिर तो ठीक ही ठीक है। आज जो वियर्ड स्ट्रीट फूड है वो पता क्या है? क्या?
गोलगप्पा शेक। गोलगप्पा शेक ये देख, गोलगप्पा डालना है, आलू डालना है, मीठी चटनी डाली, पानी डाला। दूध का है? दूध नहीं आएगा शेक में, यही ट्विस्ट है। बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, जो ये बनेगा भी नहीं बनेगा, लेट्स सी। और जो पहले गोलगप्पे तोड़ेंगे, ओहो, अब डालेंगे इसके अंदर आलू, उस साइड से सोना निकलेगा। सारे डाल दो नहीं? अच्छा सारे डाल दो। मिर्ची कितनी चाहिए? तीखा थोड़ा कम। ये मीठा ज्यादा? समझ रहे हो ना क्यों मीठा ज्यादा चाहिए इसको। और ये डाल दिया पानी, बस, ये बर्फ डाल दी, लेट्स गो। चलो आओ। ओके गाइस, तो ग्लासेस आ गए हैं, पकड़। मुझे तो जहर ही लग रहा है। मैं तो पीऊंगा ही नहीं। तू ही पिएगा? ओ गोलगप्पा शेक, अभी इसको सजाना भी हमें, और एक गोलगप्पा ऊपर। दिस इज एग्जैक्ट आर गोलगप्पा शेक। चीयर्स, लेट्स सी कैसा है। मिर्च ज्यादा है, मेरे को तो अच्छा लगा। जिसको मिर्च पसंद है उसके लिए इट्स गुड। जलजीरा में ज्यादा मिर्च है। मैं ये बोलूंगा तुम्हारे को, घर पे गोलगप्पे तो हर बार खाते हो, पर गोलगप्पा शेक जरूर ट्राई करना चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा। देख, अच्छा लगा तभी पी जा रहा है, अगर अच्छा नहीं लगता ना तो ऐसे फेंक देता, चूता भी नहीं वापसी। बात तो सही है। ठीक है, पीने लायक है ना। आप लोग जाओ घर पे ट्राई करो। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट सबसे वियर्ड डिश अब तक की। ऑलराइट, तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रीट फूड है ना भाई, भाई देखो दिख तो क्या होगा, साउथ इंडियन, बट साउथ इंडियन डोसा प्लस मैगी। लेट्स सी कैसा टेस्ट होता है। आओ बनवाए। भैया ये देखो, रील देख लो, ये बनाना है। ये बना डोसा, डोसा के ऊपर पूरी मैगी वैगी बनानी है, और उसके बाद सॉस वॉस डाली, मसाला डाला, और ऐसे प्रॉपर बनाना है। तो मैगी जो है ना वो हम ऑलरेडी प्रिपेयर करके लाए हैं। तो भैया आपने सिर्फ डोसा बनाना है, उसमें मैगी बनानी है, थोड़ा उसकी टॉपिंग करना है, उसको टेस्ट करना है। भाई समझ गए हो? समझ गया भाई। चलो ठीक है, समझ गया। एक्चुअली देखने में अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है टेस्ट करने का, तो आओ वेस्ट नहीं करते टाइम। अंदर ऑलरेडी इतनी फीलिंग है, तो दो सांभर लाने मन ही नहीं कर रहा। नो वर्ड्स मैन, बहुत स्वाद है। आज हम जितनी वियर्ड चीजें ट्राई कर रहे हैं वो एक्चुअली बहुत ज्यादा वियर्ड है, एंड वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। एक बाइट और, भाई ने बहुत अच्छा बनाया यार। 10 में से कितने मार्क्स? 9। ये एक क्यों काटा है? इसका नाम खराब करने के लिए। एक्चुअली इट इज वेरी यम्मी, एंड मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। मैं बताऊँ, मेरे को बहुत स्वाद लगा। ये तो ऐसी चीज है जो लोगों को एक्चुअल में बेचनी चाहिए भाई। ओहो मजा आ रहा, यम। ओके, तो हम जाने लगे थे, तो उससे पहले मेरे को मेरा सब्सक्राइबर मिल गया, एंड मैंने सोचा क्यों ना इसको टेस्ट करा के पूछा जाए कि कैसा लगता है। देख, ये वियर्ड डिश है, डोसा प्लस मैगी, देखो टेस्ट करके बताना ये कैसा है। ये भगवान क्या जुलुम है। और लगा लो चटनी, काफी अम्मी है। तो थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऑलराइट गाइस, तो ये है मेरा फेवरेट डेजर्ट वॉफल, भाई आई लव इट। बट आज की वीडियो है वियर्ड स्ट्रीट फूड चैलेंज, तो मेरे नसीब में नहीं आने वाला इसका जो कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओ हो, एक बार तुम रील देखो और तुम एक बार सोचो ये कैसे होने वाला है। ये क्या है? वाओ, करें अब इसी में आइसक्रीम, ये होने वाला है मिक्सचर। भैया पीछे से देख रहे हैं, कह रहे हैं ये कैसी चीजें खाने वाला है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाए टेस्ट। दे शर्मो, शर्म करो, शर्म। एक्चुअली अम्मी लग रहा है, मैं जो चीज़ खा रहा हूँ इस वक्त मेरे को सब अच्छी लग रही है, शायद इसलिए क्योंकि मैं 3-4 दिन से डाइट पे था। बट ये बहुत अच्छा है। भैया टेस्ट करो, गुलाब जामुन और वॉफल। हम मानना नहीं चाहते, हम मानना नहीं चाहते। आओ एक टेस्ट करो, आइसक्रीम में डालो। गुलाब जामुन कहाँ गया? रुको मैं डालता हूँ आपको, ये टेस्ट करो आइसक्रीम। अब बताओ ये कैसा है?
एकदम मस्त। तो अपने मेन्यू में डाल दोगे इसको? बोलूंगा सर, सर से बोलूंगा कि इंक्लूड करें। 100% 10/10 लेट्स गो। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वियर्ड स्ट्रीट फूड है ना मम्मी, वो मैं आपके साथ करने लगा हूँ। पता है क्यों? क्यों? हमारी प्यारी सी मम्मी है, उनके पेट में गैस है, तो नेचुरली जो गैस है ना वो निकल जाएगी। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। ये है इंडिया का फर्स्ट कोकोनट वोल्केनो सोडा। इसमें करना कुछ नहीं है, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमने लिया नारियल, ठीक है नारियल पकड़ो, इसके अंदर हम उसने फैंटा डाली भाई ने, हम कोका कोला डालेंगे। नेचुरली गैस निकलेगी। उससे पहले जब आप ये पियो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। विराट कोहली ने बोला चहल को, जा मेरे लिए ना कोक की बोतल लेके आ। तो चहल कोक की बोतल लेके आया और उसने आके रोहित शर्मा को पकड़ा दी। बताओ ऐसा क्यों किया उसने? मैं भी नहीं जानता, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनर है ना। ये जोक था मम्मी जी। 3-2-1 पी लेना जल्दी। रुक जाओ, आने दो वोल्केनो। वोल्केनो कहाँ है? नहीं आया वोल्केनो। अरे वोल्केनो ही नहीं आ रहा। हम इसको मिक्स करके देख के टेस्ट कर लेते हैं। मम्मी टेस्ट करो। बकवास, बहुत ही बकवास। जीरो तुम जीरो। कोई टेस्ट जहर जैसा टेस्ट है भाई। सो वोल्केनो नहीं है, जहर है हार्पिक। टॉयलेट में डालते हैं इसको, टॉयलेट का पानी। ना इसका वोल्केनो बना, ना इसका कुछ बना, वेस्ट। ऑलराइट गाइस, वी आर बैक विद मम्मी जी। ये फिर आ गया। एंड मम्मी जी बना रही है यहाँ पर चाय पापा के लिए, जो ऑल टाइम चाय पीते रहते हैं। आई डोंट नो क्या ऑब्सेशन होती है ये चाय लवर्स की चाय के साथ, कि मतलब 5-6 कप के बिना तो जिंदगी निकलती नहीं। जिंदगी छोड़ो, दिन नहीं निकलता 5-6 चाय के बिना, है ना मम्मी? बट आज पापा को हम चाय तो पिलाएंगे, बट नॉर्मल चाय नहीं पिलाने वाले। मेरे पास वियर्ड स्ट्रीट फूड चैलेंज है। ये देखो, पिंक चाय, गुलाबी चाय। देखो ऐसे क्या करना है, पैन इसमें तोड़ना है और उसके बाद हम इसको पिंक चाय निकालेंगे। पापा को यही तो टेस्ट करानी है, आज वियर्ड स्ट्रीट फूड है ना। ऊपर से इन्होंने डाल दी मलाई, बट हम क्या करेंगे, हमें पिंक चाय बनानी है। तो उसके लिए मेरे पास है एक सीक्रेट हथियार। सिगरेट पीता पिंक हर्शीज। आओ पापा को आज सरप्राइज करते हैं, प्रैंक भी हो जाएगा और गुलाबी चाय का टेस्ट भी पता चल जाएगा। हमने ट्राई करेंगे। मैं चाय नहीं पीता नॉर्मल, आई लाइक पीपल जो चाय पीते हैं। 90% कम्युनिटी की चाय नहीं पीता। मैं चाय पीता हूँ, बट मैं काली चाय पीता हूँ, ब्लैक टी या फिर ग्रीन टी, बट नॉर्मल टी नहीं पीता मैं। तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार, मेरी बहन के साथ भाग जाओ। चलो मम्मी आओ बनाए। अभी बनने देना। ये बन गई? दूध तो डाला नहीं। वही तो कह रही हूँ, अभी डालने तो दे। दूध डालना दो एक बार, फिर उसके बाद। ओहो, यम्मी। पैन की जगह मेरे पास है बिस्किट, वो भी राइस पफ्स। ओहो, ये पकड़ो आओ, इसमें हम ये तोड़ेंगे। बस बस बस, डालो चाय निकालो, एक बार चाय इधर लाओ, चाय इधर लाओ। अरे रुक, अरे पिंक पहले करनी है, पिंक करनी है। फट जाएगी, उसके ऊपर डालेगा तो फाड़ दूंगा मैं चाय को। मम्मी की बात मान लेते गाइस। कितना टाइम लगेगा इसको? 2 मिनट। 2 मिनट्स लेटर टाइम। ले आओ मम्मी, छान दो। मेरे को गंदा मत कर देना, गरम गरम। अब चाय में पिंक पिंक डालेगा। क्या ये गुलाबी चाय हो जाएगी? ऐसे ही रहने देना, तभी तो है पिंक। पहले पिंक तो करो कलर। इतनी काली चाय बनाई है पापा के लिए कि वो पिंक ही नहीं हो रही। और इसके अंदर और डाली, और अब इसके ऊपर एक फैन और डालना है, बस। तो आओ गाइज एक बार पापा को टेस्ट करवाएं और उनसे पूछते हैं कैसी लग रही है। पापा आपने चाय मांगी थी तो ये लो चाय, बट दिस इज डिम्पल्स किचन स्पेशल एंड फुकरा इंसान स्पेशल गुलाबी चाय। पी के देखो, पिंक कलर की चाय है। अरे यार मैं नहीं पीता ये, पता नहीं कैसी चाय है। अरे ट्राई तो करो, एक सिप पी लो फिर बता दो कैसी है। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते उन्हें मैं कभी माफ नहीं करता। गुलाबी चाय, पिंक चाय अच्छी लगी? यार आपने फैन टेस्ट नहीं करे इसमें जो डाले हुए बिस्किट। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चाय पिया करो, कोई रंग रूंग डाल के नहीं पीनी चाहिए, है ना? पापा के मुंह का टेस्ट खराब है, इसलिए मैंने नॉर्मल चाय लेके आई।
बहुत थैंक यू। बीवी का दिल। तो गाइस यहां से चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट ड्रिंक पे, लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनल जो डिश हमारी आज की है वो ना किसी ने नहीं बनाई, ये हमारी एक्सपेरिमेंटेशन है, क्योंकि हमने इतने वियर्ड स्ट्रीट फूड चैलेंजेस कर दिए और मोपी घर जाने वाला था, तो मैंने कहा एक डिश मेरे हाथ की खा के जा। तो उसके लिए मैं लाया हूँ मस्त चीजें, पकड़ रेड बुल डाल उसके अंदर, बस 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 रेड बुल वनीला आइसक्रीम। ओ हो, आज जो मजा तेरे को आने वाला है ये मजा मैं दुनिया के हर इंसान को देना चाहता हूँ। अच्छी बात बोली, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। ओ हो, कैसा लग रहा है? मतलब आई रियली वांट टू नो। भाई को इतनी जल्दी है टेस्ट करने के लिए, खिला दो। वैसे गंदी कोई नहीं है। क्या क्या गंदे यार, बट आइसक्रीम ठीक है, मतलब रेड बुल अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। डकार मत लेना भाई। गाइज आप लोग भी एक बार कमेंट सेक्शन में टेस्ट करके बताना रेड बुल वनीला आइसक्रीम कैसी लगती है। वीडियो चुके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप देखना चाहते हो इस वीडियो का, अगर आप देखना चाहते हो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, तो 5 लाख लाइक्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।